नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। बैताल पच्चीसी की कहानियाँ रोचक होने के साथ साथ सीख भी प्रदान करती है। बैताल पच्चीसी की आज एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले स्वर्ण। राजा के साथ सभा में बैठे सभी लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। यह बात सुनकर राजा को और भी अचरज हुआ। राजा ने कहा कि घर में 4 लोग हैं, फिर इतने धन का क्या करोगे? राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडारे से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और स्वयं खाता। वीरवर का कार्य राजा की सुरक्षा करना था। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर वो राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात को ज़रूरत होती थी वो मौजूद रहता था। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने वीरवर को पुकारा। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यहाँ कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है क्या कि किसी का सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, फिर कभी कूदती है और सिर पटक पटक कर फिर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं था। वीरवर ने पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, मैं रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएंगे। स्त्री की बात सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 वर्ष तक बेखट के राज करेगा। वीरवर घर आया और उसने अपनी पत्नी को जगा कर पूरी बात बताई। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। तब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दे, एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरा यह देह अब देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। उसकी पत्नी बोली, स्त्री धर्म का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो जाए। इतना कहकर उसने तलवार से लड़के के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी यही किया और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं भी जीकर क्या करूँगा, उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह वहाँ आया। उसने बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों ने जान चली गई। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी आप प्रसन्न है तो इन सभी को फिर से जीवित कर दे। देवी ने सभी को एक ही क्षण में जीवित कर दिया। कहानी के बाद बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन किसी सेवक के लिए राजा का राजपाट छोड़ जान दे देना ये बहुत उत्तम उदाहरण है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा पीछे पीछे दौड़ा और बेताल को पुनः पकड़कर ले आया। अगर आपको हमारी ये जानकारी और हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।